आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू साहब और बीजेपी के जो नेता राम माधव जी जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए हुए हैं, उनको ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आपने हमारे राज्य का दर्जा छीन करके जम्मू कश्मीर की आवाम नौजवानों के साथ बेहद भद्दा मजाक किया है। इस हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम 9 जुलाई वीरवार के दिन भूख हड़ताल के ऊपर बैठने जा रहे हैं। आप हमारे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वापिस लें। जम्मू कश्मीर की जो सरकारी नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को ही मिलनी चाहिए, ना कि बाहर के राज्य के लोग आकर के जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां लें। और पीएमओ मंत्री साहब, आपने पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू करा करके जम्मू कश्मीर की आवाम की पगड़ी को आपने उछाल दिया। आपने डोगरों की, महाराजाओं की, खुद को जम्मू का प्रतिनिधित्व कर कहने वाले आपने जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी की है। और मैं ये चाहता हूं कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट वापिस ले ले, राज्य का दर्जा हमें लौटा दे और सारा क्रेडिट आप ले जाए। सुनील डिंपल ने तो ना तो असेंबली के ना पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने हैं, ना कोई विधायक, ना संसद और ना ही कोई मंत्री बनना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वापिस ले ले, जो पीएमओ साहब आप भी इसका क्रेडिट ले लें क्योंकि आप इसका स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बनवाया और एसआरओ 202 के तहत भी लोगों को, बच्चों के साथ भद्दा मजाक किया, कोई एसआरओ 202 के तहत आपने रिवोक नहीं किया। हमारी मांग है कंप्लीट रिवोकेशन ऑफ एसआरओ 202। एसआरओ 24 के बच्चों को पक्का किया जाए और रहबरे सहित, रहबरे खेल, रहबरे ज़रात और नेक्स्ट NYC के तमाम और इसके साथ 80,000 डेली वेजर्स को पक्का किया जाए। यही संदेश हम भेज रहे हैं और 9 जुलाई वीरवार से हम अपनी मांगों को लेकर के डोमिसाइल के विरोध में राज्य का दर्जा वापिस लेने के लिए हम भूख हड़ताल के ऊपर बैठ रहे हैं।